नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल आवधिक हॉलमिक्स में। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को एक नए पौधे के साथ और नई जानकारी के साथ उपस्थित हूं। तो आपको ये जो पेड़ दिखा रहा हूं, इस पेड़ को ध्यान से देख करके एक बार और पहचान लीजिए, क्योंकि मैं इसका और वीडियो बना इसके बारे में जानकारी दे चुका हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इसी के संदर्भ में एक और नया जानकारी लेकर के आया हूँ। उस जानकारी को आप लोग को बताऊँगा जो कि प्रमाणित परीक्षित है और आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। तो आप इसे आजमा करके देख लेना, आपको निश्चित रूप से फायदा पहुंचाएगी। तो दोस्तों, देखिए इस पेड़ को और पहचानिए इसे। हमारे छत्तीसगढ़ की भाषा में, छत्तीसगढ़ी भाषा में धनबहर कहा जाता है या फिर भालू मूसर कहा जाता है, और हिंदी में इसे अमलतास कहा जाता है। दोस्तों, तो आप लोग भी अमलतास के नाम से जान सकते हो, यह अमलतास का पौधा है। तो अमलतास बहुत ही कमाल की गुणकारी औषधि है दोस्तों, आयुर्वेद में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो आप लोग इसे देखिए और अच्छे से पहचानिए और इसका भरपूर उपयोग कीजिए। यह जंगलों में या फिर जंगल के एरिया के जो आसपास के गांव होते हैं, उस गांव देहात में मिल जाता है अक्सर इसका पेड़। और इसकी ज़्यादा पहचान कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा वीडियो में पेड़ और फूल भी दिखा रहा हूँ। तो आप इसे देख करके पहचान लीजिए, इसमें फल और फूल भी आया है। ऐसा कभी कभी बहुत से पेड़ में हो जाता है कि एक साथ फल और फूल दोनों रहते हैं। तो अभी भी इस पेड़ में फूल बचा हुआ है और फल भी आ गया है। तो इस तरह से आजकल हो जाता है कोई कोई पेड़ में। तो आप देख करके पहचान लीजिए, इसके फूल को भी देख सकते हो, फल को भी देख सकते हो। दोस्तों, इसका जो फल है, ये लंबा लंबा आप जो देख पा रहे हो, इसका फल कच्चा हो या पका हो, दोनों में समान गुणकारी होता है। मतलब आप यदि कच्चा मिल जाए तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हो, और पका हुआ काला मिल जाए तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जब पक जाता है, सूख जाता है, तो यह काला हो जाता है और इसको तोड़ने पर कुछ इस तरह से दिखता है, जैसे मैं आपको अभी इमेज में दिखा रहा हूँ। तो फिलहाल अभी तो कच्चा ही है ये, तो आप इसको तोड़ करके, कच्चा रहे या पका रहे, उसका अंदर में जो गूदा रहता है, उस गूदे को यदि आप निकाल करके उसका काढ़ा बना करके पीते हो, तो निश्चित रूप से मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूँ, इससे आपकी जो बवासीर की समस्या है वह खत्म हो जाती है। यह आजमाया हुआ है और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग इसका बहुत ज़्यादा भरपूर प्रयोग करते हैं। इसको बवासीर को मिटाने के लिए ही प्रयोग नहीं कर सकते अपितु इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप लोग जानते होंगे बवासीर कब्ज की वजह से होता है। जिनको बवासीर हुआ रहता है उनको पता होगा, पेट का जो छोटी आंत बड़ी आंत होता है उसमें मल जो है टाइट हो जाता है और मल सूखने लगता है और एकदम फुल टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से वह मल द्वार को बंद करके रखता है और धीरे धीरे मल वहाँ पे सड़ने लगता है। तो ये अमलतास जो है उसी मल को ढीला करने का कार्य करता है, और जितने भी छोटी आंतें हैं, बड़ी आंतें हैं हमारी अमाशय में, उन सभी आंतों की पूरी तरह से सफाई कर देता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, यह छोटी आंत, बड़ी आंत के जितने भी अंदर में छाले पड़ जाए रहते हैं, जख्म हो जाए रहते हैं, उनको भी यह रिपेयर करता आता है, और पूरी तरह से अंदर के जो छाले रहते हैं छोटी आंत बड़ी आंत का, उसको भी ख़त्म कर देता है। यह संपूर्ण अमाशय की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। और इसका सेवन आप बवासीर है तो लगभग एक सप्ताह तक प्रयोग करें, और बवासीर नहीं है, कब्ज दूर करना है, तो 1 से 2 दिन करें, या फिर जब तक आपको संतुष्टि ना मिले तब तक करते रहें। तो इस प्रकार से दोस्तों, यह पाचन क्रिया को भी दुरुस्त करता है और पेट की सभी खराबियों को ख़त्म करता है। छोटी आंत, बड़ी आंत की जितने भी छाले होती है उसको मिटा देता है, और मलबद्धता की जो शिकायत होती है उसे दूर कर देता है, और आसानी से मल बाहर निकाल के पूरे शरीर को स्वस्थ सुदृढ़ बना देता है। यदि आप अमलतास का जो गूदा होता है अंदर का, तोड़ कर निकालने से निकलता है वो गूदा, यदि आप इस अमलतास के फल के गूदे को छोटे बच्चे जो खा पी नहीं सकते, उनके पेट में भी यदि किसी प्रकार की खराबी है, तो उनके पेट का सभी खराबियों को दूर करने के लिए आप इस अमलतास के गूदे को छोटे बच्चे जो खा पी नहीं सकते उनके नाभि पे लेप कर दीजिए।
बस। और नाभि पे लेप करने के बाद उनको दस्त आना शुरू हो जाएगा, गैस निकलना शुरू हो जाएगा, उनका जो पेट फूलने की समस्या रहेगी वह ख़त्म हो जाएगी और छोटे बच्चे को भी आराम मिल जाएगा। इतना यह चमत्कारी औषधि है, सिर्फ नाभि पे लेप करने से इसका असर अंदर तक हो जाता है। तो दोस्तों, यह अमलतास बहुत ही कमाल की औषधि है, पेट के सभी रोगों को दूर करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। आप लोग ज़रूर इसको देख करके पहचान लीजिए और इसका औषधि उपयोग भरपूर कीजिए। दोस्तों, यह आपका बहुत ही काम का औषधि है। किसी भी प्रकार की पेट में कोई भी खराबी हो, भूख न लगने की समस्या हो, मल बाहर ना निकलने की समस्या हो, या फिर शौच जाते वक्त दर्द हो रहा हो, या फिर किसी भी प्रकार की पेट से संबंधित जो भी समस्या या हो, पुराने से पुराने कब्ज को तोड़ देता है बड़ी आसानी से और बड़ी आसानी से आपको यह बीमारी से छुटकारा दिला देता है। क्योंकि सभी बीमारियों का एक ही कारण है, कब्ज। आपका कब्ज दूर हो गया मानो सभी बीमारियां धीरे धीरे आपके शरीर को छोड़ करके जाने लगेगा। तो यह मेन कार्य करता है कब्ज दूर करने का, और कब्ज जिसका ख़त्म हो गया उसका सभी रोग भी ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। तो आप ज़रूर इसका उपयोग कीजिए और खुश रहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और अच्छी नई औषधि वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।